फिल्मों में ऑन स्क्रीन एक्सपोज करना आम बात हो गई है। कई लोग इसे सीन की डिमांड मांगते हैं, तो कई फिल्म की सक्सेस के लिए ऐसा करने से गुरेज नहीं करते। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस फिल्म और अपने अभिनय में रियलिस्टिक टच लाने के लिए एक्सपोज से नहीं कतराती। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने ऑन स्क्रीन टॉपलेस सीन्स दिए हैं। चलिए जानते हैं कौन सी अभिनेत्री ने किस फिल्म के लिए दिए टॉपलेस सीन्स। नेहा धूपिया। नेहा धूपिया ने 2014 में आई फिल्म जूली के लिए टॉपलेस सीन दिया था। नेहा धूपिया इस सीन के लिए बेड पर सिर्फ एक दुपट्टे से ढकी दिखाई दी थी। दीपा शाही। 1993 में आई फिल्म माया मेमसाब में दीपा ने शाहरुख खान के साथ इंटीमेट सीन के दौरान टॉपलेस सीन दिया था। उदिता गोस्वामी। उदिता ने फिल्म जहर के लिए टॉपलेस होकर स्ट्रिप सीन दिया था। अनु अग्रवाल। आशिकी फेम अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने 1994 में आई फिल्म द क्लाउड डोर के लिए टॉपलेस सीन दिया था। मंदाकिनी। ट्रांसपेरेंट साड़ी में लिपटी मंदाकिनी ने टॉपलेस सीन दिया था। सिमी गिरेवाल। सिमी गिरेवाल ने 1970 में आई एक फिल्म के लिए न्यूड सीन दिया था। जीनत अमान। जीनत अमान ने 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कई बोल्ड टॉपलेस सीन्स दिए थे। सीमा रहमानी। सीमा रहमानी ने 2005 में आई फिल्म सिंस के लिए टॉपलेस सीन दिया था। करीना कपूर खान। करीना ने 2009 में आई फिल्म कुर्बान के लिए टॉपलेस सीन दिया था। पाउली डैम। हेट स्टोरी में अभिनेत्री पाउली डैम ने टॉपलेस सीन दिया था। सोनाली राउत। एक्सपोज फिल्म में सोनाली ने मंदाकिनी की तरह ट्रांसपेरेंट साड़ी में टॉपलेस सीन दिया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।